अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिवाइस ऑफ पब्लिक। मैं हूँ आपका मेज़बान सईद इरशाद। नाज़रीन, आज टाइम मैं मौजूद हूँ गीगा मॉल के पास, PWD हाउसिंग सोसाइटी, और उसमें पास हूँ। आज मैं किसी रेस्टोरेंट और उसमें इस वजह से मौजूद हूँ, आप देख रहे होंगे कि मैं घर में बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर एक खातून है जो कि एक बेस्ट बिरयानी और बेस्ट हलीम सेल कर रही है। मैं जब फर्स्ट टाइम इनसे मैंने ऑर्डर किया और मैं रिव्यू जो करने आया हूँ वो इसी से रिव्यू करने आया हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने इनका फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किया। पहले मैं खुद जो है इनका ऑर्डर मंगवाया घर पर अपने, और फिर मैंने इनका टेस्ट किया, और जब मुझे इनका टेस्ट पसंद आया तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इनका रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि आप लोग जो हैं, मेरे व्यूअर्स जो हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं, वो देखना चाहते हैं कि एक अच्छा खाना कहाँ से मिलेगा। अगर आप पिंडी और इस्लामाबाद में रहते हैं और एक अच्छा और एक सस्ता खाना खाना चाहते हैं, एक हलीम जो कि बनाना एक बहुत मुश्किल काम है, और अच्छी हलीम बनाना बहुत मुश्किल काम है। हलीम बनाना बताते हो शायद आसान हो, अच्छी हलीम बनाना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। तो मैंने कहा सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊँ जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँ कि अगर आपने एक अच्छी हलीम खानी है, एक अच्छी बिरयानी खानी है और एक सस्ती बिरयानी खानी है तो आप इनको ज़रूर ऑर्डर दीजिएगा। नो डाउट ये थोड़ा दूर है इधर G9, G10 और G11 वाले लोगों के लिए जो इस्लामाबाद में रहते हैं, एफ सेक्टर में रहने वालों के लिए थोड़ा सा दूर है, तो परेशानी की क्या बात है। आप तो इतनी ज़्यादा होम डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बाई क्या करवा लें, डिफरेंट सोर्सेज हैं, तो आप उनसे आप डिलीवरी करवा सकते हैं, और यह है कि आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं और उनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करिएगा। तो मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करता और मैं आज आप लोगों को ये जो कमाल की बिरयानी है और जो हलीम है इसका रिव्यू देता हूँ। तो चलिए मेरे साथ चलिए। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है रियान। रियान नाम है आपका जी? अच्छा रियान, मुझे ये बताओ कि अभी हम ये खाने लगे, इससे पहले कोई फीलिंग्स आ रही हैं कुछ देखते वक्त, तो क्या फीलिंग आती है? यही बस कि बहुत डिलीशियस लगता है, बहुत जब भी देखते हैं ये पहले ही लुक में अच्छा लगता है वो। अच्छा, तो अभी हलीम लोगे या ये बिरयानी लोगे? मैं तो बिरयानी पसंद, बिरयानी के। चलो मैं हलीम ट्राई करता हूँ, आप ये ट्राई करो, फिर बताना है मुझे कैसी है, ठीक है? और ये नहीं सोचना कि ये आपकी मदर ने बनाई है तो इस वजह से, ठीक है? ये आपने सिर्फ ओरिजिनल रिव्यू देना है, ठीक है? तो ये आप बिरयानी खाओ, मैं हलीम खाना शुरू करता हूँ। अच्छा बिस्मिल्लाह, हलीम बहुत से लोग जो हैं, मैंने खाई है हलीम, बस एक दो लोग ही मेरे पसंद आई हैं, ज़्यादा की पसंद नहीं है। अच्छा, जिनकी पसंद आई है मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, जिनकी नहीं पसंद आई उनका नाम भी नहीं लेना चाहता। बाय द वे मेरी फूफा बनाती हैं हलीम, बहुत अच्छी हलीम बनाती हैं। अच्छा।
जी बिरयानी बहुत कमाल की है और बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा है। और आप क्या कहते हैं, हलीम ज़्यादा अच्छी थी कि बिरयानी? मुझे तो ज़्यादा बिरयानी अच्छी लगी थी। यार देखा जाए ना, आपने शायद हलीम जो है ना इतनी खाई ना हो। मैंने बहुत जगह की हलीम खाई है, इससे मुझे लग रहा है कि बहुत से बेहतर ये वाली हलीम है, बहुत ज़्यादा से बेहतर ये वाली हलीम है। तो मैं अपने नाज़रीन को भी ये कहूँगा कि इसका ये रिव्यू दे रहा हूँ कि अगर आप आएँ तो ज़रूर एक बार टेस्ट करिएगा। और अगर आप इनका, मैं आपका मेन्यू भी दे देता हूँ, आप इनके मेन्यू पर जो है ना ऑर्डर कर सकते हैं। ये मैं नंबर दे रहा हूँ नीचे, इस नंबर पर जाके आप कॉन्टेक्ट करें और आपके घर पर भी डिलीवरी हो जाएगी। और यह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भाईजान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाईजान आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना रिव्यू दिया और एक अच्छा रिव्यू था। नो डाउट बिरयानी ज़्यादा अच्छी है हलीम से, लेकिन मुझे दोनों ज़्यादा अच्छी लगी। उसकी वजह यह है कि मैंने हलीम जितनी टेस्ट की है ना, मुझे पता है कि हलीम का क्या जायका और क्या स्टैंडर्ड होता है। हलीम बनाना एक बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन अच्छी हलीम बनाना एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो यह है कि ये बहुत अच्छी हलीम थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने किया।